हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक प्रोग्रामिंग चैनल। गाइज मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको लूप्स का कंसेप्ट समझाया था और साथ ही साथ हमने फोर लूप को समझा था, तो इस वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप समझने वाले हैं। तो गाइज व्हाइल लूप के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। पहले व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक एक कंडीशन उसके अंदर जो हमने प्रोवाइड की है वो ट्रू है। हर लूप इसी तरीके से काम करता है, किसी कंडीशन तक वर्क करता है, यानी कोई कंडीशन ट्रू होती है तब तक वर्क करता है, जैसे वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो उसमें से हट जाता है। बट व्हाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि व्हाइल लूप जो है उसके अंदर आपको एक बार कंडीशन देनी होती है उसको, फिर जो आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी चीज़ें हैं आपको वो लूप के अंदर ही करवानी होती है। यानी जैसे फोर लूप के अंदर क्या करते हो, आप लूप के बाहर सारी चीज़ें पास कर देते हो फिर लूप की बॉडी रखते हो, बट व्हाइल लूप के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, लूप की बॉडी के अंदर ही आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है और लूप की बॉडी से यानी व्हाइल से बाहर आपको इनिशियलाइजेशन करना है। ये डिफरेंस है फोर और व्हाइल के अंदर। काम वही करेगा, दोनों के दोनों क्या करेंगे, दोनों के दोनों इटरेशन करेंगे यानी लूपिंग करेंगे, किसी पर्टिकुलर टास्क को रिपीट करेंगे। व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लूप की बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले किसी कंडीशन को चेक कर लेता है। यानी आपकी लूप की बॉडी के अंदर कोई एंटर हो रहा है, कुछ कोड अगर एग्जीक्यूट होना है, उससे पहले एक कंडीशन चेक होगी कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी अंदर जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल भी कहते हैं कि अंदर आने से पहले ये चेक करता है। तो गाइज अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हो व्हाइल एक कंडीशन, और अगर फॉल्स होती है तो बाहर आ जाता है, वरना क्या करता है, स्टेटमेंट के अंदर चला जाता है। व्हाइल के अंदर हमने यहाँ कहीं भी इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये नहीं लगाया क्योंकि ये व्हाइल का नेचर ही नहीं है। व्हाइल कुछ इस तरीके से काम ही नहीं करेगा। व्हाइल कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आप इनिशियलाइज करो या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो, बट फोर का लूप आपको कहता है कि आपको इनिशियलाइज भी करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना है, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। बट व्हाइल लूप में आपको बतानी नहीं पड़ती, व्हाइल लूप के अंदर आपको सिर्फ कंडीशन देनी है, बाकी इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट है वो आपको लगाना पड़ेगा और जो इनिशियलाइजेशन है वो भी आपको बताना पड़ेगा, वो आपको फोर्स नहीं करेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से व्हाइल लूप हमारा वर्क करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कैसा है। तो आप यहाँ देख सकते हो व्हाइल, फिर एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन सा, जो ट्रू या फॉल्स होगा, जिसके बेसिस पर हम लोगों को डिसीजन लेना है कि क्या लूप के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो व्हाइल एक एक्सप्रेशन, और फिर उसके अंदर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो आपको कहाँ लिखने पड़ते हैं, उसकी बॉडी के अंदर लिखने पड़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री कहाँ से हो रही है, इस कर्ली ब्रैकेट से, उसके पहले यहाँ एक्सप्रेशन लगा हुआ है, तो एंट्री होने से पहले कंट्रोल कर रहा है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो ये मैंने एक काउंटिंग का प्रोग्राम बना रखा है छोटा सा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल बनाकर अच्छे से प्रैक्टिकली, तो आपको और इजिली समझ आएगा। यहाँ हमने क्या किया, बाहर किया इनिशियलाइजेशन, देन मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा हूँ और व्हाइल की एक बॉडी बनाई मैंने, और व्हाइल के अंदर ही मैं यहाँ इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मतलब मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट, बॉडी से बाहर इनिशियलाइजेशन, और फिर हमारा ये लूप वैसे ही काम करेगा जैसे दूसरा फोर लूप काम करता है काउंटिंग के लिए। तो गाइस इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल के अंदर आपको समझाऊंगा अच्छे से। सो गाइस ये मेरा एक HTML का डॉक्यूमेंट, और इस HTML के डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है, इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ मेरा व्हाइल लूप। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, व्हाइल, और व्हाइल के अंदर एक यहाँ पर आपके पैरेंथेसिस, उसके अंदर आएगी आपकी कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स जो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लूप चलाएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये तो हो गया इसका एक सिंटैक्स, और इससे पहले आपको इनिशियलाइज करना होता है जैसे वेयर आई इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन है। फिर आपको यहाँ देनी होती है कंडीशन, कंडीशन में आप क्या देते हो, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 है, यानी आई की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है तब तक चलना है। और इसको मैं एक बार यहाँ से इंडेंट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या करेगा, ये आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है तब तक चलेगा, बट यहाँ पर तो आई की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी होगी क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये, तो इधर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जब हम लोग इसको ब्राउजर पर रन करेंगे, तो मैं ब्राउजर पर रन करके दिखाता हूँ आपको, और आप देखोगे कि यहाँ पर हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है कंटिन्यूसली। ये यहाँ पर ऊपर जो लोडिंग वाला सर्कल है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये लूप जो है वो कहाँ जा चुका है, इन्फिनिटी में जा चुका है। मतलब ये लूप कहीं रुक ही नहीं सकता, नहीं रुक सकता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने बोला है कि जब तक आई की वैल्यू क्या हो, 10 से छोटी हो, तो आई की वैल्यू तो हमेशा 10 से छोटी है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर बीच में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर लगाना होगा आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होगा, आई हर बार लूप के अंदर आके इंक्रीमेंट होगा, तो 0 प्लस 1 फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से ये क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा,
और एट द एंड एक बार ऐसी कंडीशन आ जाएगी जैसे 9 से सीधा 10 चला जाएगा, और 10 आने के बाद ये यहाँ पर आएगा एंट्री करने के लिए ट्राई करेगा, बट एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ है कि जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक, और 10 आई से जो 10 की वैल्यू है वो 10 से छोटी नहीं हो सकती, तो अब आई की वैल्यू जैसे 10 हो जाएगी वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं इसको ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये WsCubeTech लिखा हुआ रहा है। एक बार मैं यहाँ ब्रेक टैग का यूज करता हूँ, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो सीधा ब्रेक टैग लगा सकते हो, कोई भी HTML टैग भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, और ये हो गया ब्रेक टैग, और आप देख रहे हो 10 टाइम्स WsCubeTech लिखा हुआ है। अब सपोज मैं यहाँ पर WsCubeTech के साथ काउंटिंग भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मतलब 1 WsCubeTech 2 WsCubeTech ऐसे लिखना चाहता हूँ, तब आपको क्या करना होगा, इधर लगाना होगा काउंट, फिर प्लस, इससे क्या कर रहे हो आप वेरिएबल और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हो। काउंट नहीं हमारा आई है, तो आई और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट, और अब आप देखोगे 0 1 2 3 4 काउंटिंग चल गई आपकी। सपोज आप इसको रिवर्स चलाना चाहते हो, तो रिवर्स चलाने के लिए आप क्या करो, शुरुआत करो 10 से और खत्म कहाँ करो इसको, जब तक ये तब तक चलाओ जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसमें सारी चीजें उल्टी होगी, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी 10 से, और लूप तब तक चलेगा जब तक जो वैल्यू आई की वो कहाँ से होगी 0 से बड़ी होगी, जैसे ही 0 आएगा तो रुक जाएगी। बट अगर आप 10 में प्लस 1 करवाओगे तो 11 हो जाएगा, प्लस 1 करवाओगे तो 12 होगा, क्योंकि आई प्लस प्लस है, तो इस कंडीशन में यहाँ कभी आई नहीं पाएगा और फिर से प्रॉब्लम आएगी इन्फिनिटी लूप वाली, तब आपको यहाँ पर करना होगा माइनस माइनस। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आप 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जा सकते हो। अगर आप 0 तक जाना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करो, आई इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0, मतलब कि आई क्या हो 0 से बड़ा हो और 0 के इक्वल हो, तब तक चलना है, 0 से छोटा होते ही रुक जाएगा। तो 0 से छोटा कब होगा, 0 माइनस माइनस यानी -1, और -1 पे ये रुक जाएगा। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर वर्क करता है और कैसे हमारा व्हाइल लूप हम यूज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।